टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना। इजी मेथड में हम लोग किस प्रकार दशमलव संख्या का तुलना कर सकते हैं, कौन दशमलव संख्या छोटा है और कौन दशमलव संख्या बड़ा है, तो इसके जानने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दशमलव की तुलना। नंबर वन जो उदाहरण है 5.09 एंड 4.06, ये दो दशमलव संख्या है, इसको हम लोग तुलना करना है कौन दशमलव संख्या बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें दशमलव संख्या में दो पार्ट रहता है, एक है होल नंबर पार्ट और एक है डेसिमल पार्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जो सबसे पहले देखेंगे क्या होल नंबर पार्ट, जो पूर्ण संख्या जो है इसमें होल नंबर पार्ट में 5 बड़ा संख्या है किनसे, 4 से, इस कारण से हो जाएगा 5.09, ये बड़ा हो जाएगा 4.06। इस प्रकार हम लोग तुलना कर सकते हैं कौन दशमलव संख्या बड़ा है और कौन छोटा है। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तो सेकंड जो एग्जांपल है 4.597 एंड 4.588। इसमें भी दशमलव जो संख्या है इसमें दो भाग होता है, एक होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। इसमें देखिए जो होल नंबर पार्ट है दोनों बराबर है, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव जो पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। दशमलव पार्ट में इसमें जो है दशमलव के बाद है दशांश, इसमें भी दशांश कितना है 5, इसमें भी दशांश कितना है 5 है, इसमें भी दशांश 5 है, इसमें भी दशांश 5 है। तो दशांश जब बराबर हो गया, ये दशांश दोनों क्या है बराबर है, दशांश क्या बराबर है, तो दोनों का जब दशांश बराबर हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे शतांश। इसमें शतांश कितना है, शतांश इसमें शतांश है 9, इसमें शतांश है 9, इसमें शतांश है 8, तो 9 बड़ा संख्या है 8 से। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें जो दशमलव संख्या है 4.597 बड़ा है किससे, 4.588। इस प्रकार हम लोग दशमलव संख्या का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग तीसरा एग्जांपल देखेंगे, तीसरा एग्जांपल में है 8.56 एंड 8.568। इसमें देखिए इसमें जो है दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, इसमें दशमलव के बाद कितना डिजिट है 1, 2, 3, इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक डेसिमल नंबर। इसको हम लोग क्या लाइक डेसिमल नंबर में बदलना है, सबसे पहले 8.560 लिख देते हैं एंड 8.568, ये हो गया लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल इसमें देखिए दो पार्ट, जो होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट दोनों क्या है बराबर है, दशमलव के बाद जो है 5, इसमें भी 5 दशांश से, इसमें भी 5 दशांश से। उसके बाद देखिए जो हम लोग ये करेंगे शतांश जो करेंगे, ये शतांश इसमें कितना है 6 है, इसमें भी 6 शतांश बराबर है। उसके बाद जो है थाउजेंथ, जो हम लोग उसका जो हजारों भाग है जो है थाउजेंथ, इसमें कितना है 0 है, इसमें है 8 है। तो इस प्रकार ये हो गया क्या, 0 छोटा है किससे 8 से। तो इस प्रकार जो है 8.568 ए बड़ा दशमलव संख्या है किससे, 8.560। इस प्रकार हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नंबर उदाहरण 4 देखते हैं। इसमें है
12.44 एंड 12.40 फोर है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखे थे किसमें बदलना होगा, लाइक डेसिमल नंबर में बदलना होगा। तो इसके लिए इसमें हम लोग जीरो बैठा देते हैं। इसमें भी देखिए होल नंबर जो होल नंबर पार्ट है दोनों क्या है बराबर है। उसके बाद जो दशांश है दशांश भी बराबर है। उसके बाद जो शतांश ए बड़ा है जीरो से, चार क्या है जीरो से बड़ा है। इस प्रकार 12.44 बड़ा हो जाएगा 12.40। चलिए अभी हम लोग पांच नंबर उदाहरण देखते हैं। पांच नंबर उदाहरण क्या है, 1.09 एंड 10.09। इसमें जो देखिए इसमें जो क्या होल नंबर पार्ट, इसमें होल नंबर पार्ट कितना है वन है, इसमें कितना है टेन है। तो टेन बड़ा है वन से, इसी प्रकार 10.09 बड़ा हो जाएगा किससे, 1.09 से। उसके बाद हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, छह नंबर उदाहरण, ट्वेंटी 25.08 एंड 25.80। तो इसमें देखिए जो होल नंबर पार्ट दोनों क्या है बराबर है, होल नंबर पार्ट बराबर है। उसके बाद यहाँ पर जो दशांश है दशांश जीरो है और यहाँ पर दशांश एट है, तो जीरो क्या छोटा है एट से, इसी प्रकार हो जाएगा 25.80 ए बड़ा दशमलव संख्या और 25.08। इस प्रकार हम लोग आसान तरीके से दशमलव संख्या को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।